अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन पर ऑर्डिनेंस को आईन और पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया। रजा नबानी कहते हैं आईन में अपनी मर्जी से तरमीम नहीं की जा सकती। हुकूमत ने तरमीम पर सेनेट को एतमाद में लिया, ना सियासी जमातों से राबता किया। लगता है सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। शेरी रहमान कहते हैं हुकूमत ने आईनी बहरान पैदा कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत ने रात के अंधेरे में सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया, ये आईन और सुप्रीम कोर्ट पर बदतरीन हमला है। सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है। पिछले इलेक्शन में अराकीन की मंडियां लगी। वज़ीर ख़ाज़ा शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ओपन बैलेट से इलेक्शन की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम के लिए हमारे पास दो तहाई अक्सरियत नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी कबूल होगा। वज़ीर आला सिंध भी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं इमरान खान जो कुछ माजी में कहता रहा उससे उलट चीजें की। आईनी तरमीम के लिए अब गैर कानूनी ऑर्डिनेंस ले आए, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। बोले कराची में तजावजात हटाने में कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई की गई। लीज वाली जमीन पर फार्म हाउस और कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत नहीं। सिंध हुकूमत 3 साल से मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। एक एक इंच के कागजात मौजूद हैं। मेरा जमीन साफ और जमीन क्लियर है। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख कहते हैं 5 अगस्त को सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई दिया। अजीम आदिल शेख मेरे बड़े भाई और तारिक कुरैशी कजन हैं। ये लोग किसी के फ्रंटमैन नहीं। कराची में गैर कानूनी फार्म हाउसेस के खिलाफ ऑपरेशन। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख और 70 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी अफसरान को जान से मारने की धमकी। कार्य सरकार में मुदाखलत समेत दीगर दफात शामिल। इमरान साहब मुल्क में 31 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। किराए के तर्जमानों का इजलास बुलाए, झूठ बोले। नून लीग की तर्जमान का बयान, कहा कि आवाम अंडे और मुर्गी खरीदने के भी काबिल नहीं रहे। चीनी की कीमत रमजान में 115 रुपए किलो होने जा रही है। तर्जमानों को कहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तस्बीहात शुरू कर दे। अली सतपारा लौट आए, खुदा करे। पाकिस्तानी कोपेमा और उनकी टीम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स और 4 कोपेमा ऑपरेशन में शरीक। पूरी कौम अली सतपारा और उनकी टीम की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ को। डेनियल पर्ल केस के मुल्जिम उमर शेख और दीगर अफराद जेल से रिहा। महकमा दाखिला सिंध के हुक्म नामे में कहा गया तमाम अफराद को सेंट्रल जेल के नए तामीर शुदा कमरों में रखा जाएगा। मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। अहले खाना से रोजाना मुलाकात कर सकेंगे। अहले खाना के लिए कसरे नास में 5 कमरे भी मुख्तस। वज़ीर आला पंजाब का दिसंबर तक सूबे के तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड देने का ऐलान। कहते हैं साबिक दौर में लोगों को मयारी इलाज से महरूम रखा गया। उस्मान बाजार की दरबार सुल्तान सफी सर्वर पर हाजिरी। लंगर खाने का बाकायदा आगाज किया। डेरा गाजी खान में जेर तामीर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी दौरा। कबायलियों से अलग अलग मुलाकातें। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोना सिलाही ने माजी की यादें ताजा कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार और स्पीकर परवेज इलाही की 13 साल पुरानी तस्वीर शेयर कर दी। चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला जनूबी पंजाब का दौरा किया था। उस्मान बाजार ने बतौर तहसील नासिम इस्तकबाल किया था। मोना सिलाही ने तस्वीर को यादगार करा दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। अंबाद की तादाद 11,967 हो गई। एक रोज में 1,346 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पिम्स अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल भी कोरोना से इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक और खातून डॉक्टर कोरोना से जा बहक। बाजोड़ में मामून कौम का खवातीन पर पाबंदियों के फैसलों पर शूट। जिरगा इमायदीन के मुताबिक खवातीन पर पाबंदियों के हवाले से फैसला नहीं किया, सिर्फ तजावीज दी हैं। जिले इंतजामिया के बाड़ा मामून जिरगे के साथ मुजाकरात कामयाब। रिंग रोड लाहौर से मुत्तसिल नवाही गांव डेढ़ पिंडी गांव से कजा के रंगों में नहा गया। गांव के दर्जनों घरों की सजधज ही निराली है। यहां से गुजरने वाले रेनबो विलेज की खूबसूरती से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते।